एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, PGIMS रोहतक के BSc नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड आपके काफ़ी सारी क्वेरी और डाउट थे कि सर PGIMS रोहतक में 2022 सेशन BSc नर्सिंग में एडमिशन क्या नेट स्कोर के बेसिस पे होगा। इससे रिलेटेड अभी तक दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ तो कोई भी नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया है। आप जैसे कि UHSR की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पब्लिक नोटिस है वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आपका नेट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेने के लिए जारी नहीं किया गया है। तो ये तो बात हो गई आपके UHSR की। और अब अगर DMER की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे DMER हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए BSc नर्सिंग में जारी नहीं किया गया। लास्ट नोटिफिकेशन आपका 7 मई का है, जो आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग है तो वो उसके रिगार्डिंग आपका जारी किया गया और कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका PGIMS रोहतक में BSc नर्सिंग में एडमिशन है वो सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, नीट स्कोर के बेसिस पर नहीं होने वाला है। तो इस तरीके के जो र्यूमर या जो सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे हैं कि आपका PGIMS रोहतक में भी इस बार BSc नर्सिंग में एडमिशन है वो नीट स्कोर पे होगा, तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। लास्ट ईयर के जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और इसके फॉर्म भी ही जल्द ही आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तो आपके PGIMS रोहतक के जैसे ही आपके फॉर्म रिलीज किए जाएंगे और जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, PGIMS रोहतक की BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपके फॉर्म फिल करने से लेके आपकी काउंसलिंग, एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आपको PGIMS रोहतक 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन वीडियोस के माध्यम से आपके अगर कोई भी डाउट है वो सारे डाउट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं अपने स्टेट के तो उनकी भी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा PGIMS रोहतक में BSc नर्सिंग के लिए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड पूछी जाएगी, जो प्रीवियस ईयर आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अगर इस साल कोई भी चेंजेस किया जाता है तो उस चेंजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को विषय भी आप प्रिपेयर करके रखिए जिससे कि आपको लास्ट टाइम जब आपके पास में समय नहीं रहे तो उस टाइम पे आप अपना अच्छा स्कोर भी गेन कर सकें। अब जल्दबाजी में आप अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स आपको प्रोवाइड करवा रखी है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 11th और 12th NCERT बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करती है, तो आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है और ऑब्जेक्टिव ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है। इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी प्रोवाइड करवा रखी है और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक आपको प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप उनकी हेल्प से अपनी स्टडी आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर सकें और आपका अगर एम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो लक्ष्य आप अपना प्राप्त कर सकें। एप्लीकेशन फॉर्म आने तक आप वेट ना करें दोस्तों, क्योंकि 11th और 12th NCERT का आपने 2 साल में जो सिलेबस कंप्लीट किया है वो आप 1 महीने में नहीं कर पाएंगे, तो आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप जो ई बुक्स दी गई है उनको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर के वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम ID है @SC777 इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपका नेट स्कोर पर नहीं होगा PGIMS रोहतक BSc नर्सिंग में, और अगर कोई भी अपडेट आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।